पीछे लेके भाई फ्रॉन्क्स ले गई। इस बार नहीं आई वर्टस। भाई आ गई यार ये भाई। तो भाई स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। तो भाई ड्रैग रेस के लिए आज फाइनली लेके आए आपके लिए भाई, एक तरफ खड़ी है अपनी बॉक्स वैगन की वर्टस, ठीक है, और दूसरी तरफ खड़ी है भाई फ्रॉन्क्स। अब भाई सोचोगे फ्रॉन्क्स भाई मतलब ये फ्रॉन्क्स तो अपनी नॉर्मल मारुति की गाड़ी है, लेकिन भाई इसके अंदर जो इंजन है ना, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई ये क्या लिखा हुआ है, सुजुकी बूस्टर जेट। इसका मतलब भाई 1 लीटर टर्बो चार्ज अपनी भाई फ्रॉन्क्स अपने पास है आज, ठीक है। और ये इसकी भाई स्पेसिफिकेशन लगभग भाई इस गाड़ी की स्पेसिफिकेशन के बराबर है। अब मैं इसके पावर स्पेक्स की बात करूँ तो ये निकाल देती है भाई 99 हॉर्स पावर और 170 Nm का टॉर्क। अपना भाई 3 सिलेंडर इंजन है, टर्बो चार्ज इंजन है अपना 1000 cc, ठीक है। अब भाई बात कर ले अपने वर्टस की, इसमें भी भाई अब वैसे तो हमको 2 इंजन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, 1500 cc का और 1000 cc का। तो अपने पास भाई 1000 cc वाली आज ये भी भाई निकाल देती है लगभग 110 हॉर्स पावर और 170-175 के अराउंड टॉर्क निकाल देती है। मैं 10 हॉर्स पावर इसमें ज़्यादा है, वेट भी थोड़ा इसमें ज़्यादा है। ये अपनी सेडान हो गई, ये अपनी हल्की सी SUV लुक में आ गई, ठीक है। प्रॉपर SUV तो नहीं कह सकते बट हल्की सी SUV लुक में आ गई। तो भाई एक बार करके देखना ज़रूर बनता है। और भाई दोनों ही गाड़ी अपनी मैनुअल है, ये भी अपनी 6 स्पीड मैनुअल, ये अपनी 5 स्पीड मैनुअल। तो भाई करके देखते हैं। वैसे तो आप इसकी पोलो के साथ ड्रैग रेस देख चुके होंगे, तो उसमें तो भाई पोलो ने भाई इसको हरा दिया था लास्ट में 100-120 के बाद, तो भाई पोलो इसके इसको पीछे ही छोड़ देती है। बट एक बार भाई वर्टस से करके और देखते हैं, क्योंकि वर्टस में थोड़ा वेट ज़्यादा है, तो ये देखना रहेगा कि भाई वर्टस इसको हरा देती है या फिर मतलब फ्रॉन्क्स जीतती है। तो करके देखते हैं एक बार भाई। तो भाई अपने यहाँ पे आ चुके हैं फ्रॉन्क्स के अंदर। सामने भाई वर्टस में हमको ट्रैक्शन का ऑप्शन मिलता है, तो ट्रैक्शन हमने ऑफ कर दिया है उसमें भी, और ट्रैक्शन हमारा ऑफ हो चुका है इसमें भी। ये देखो भाई यहाँ पे आ गया। तो अब AC लेकिन ऑन है दोनों गाड़ी के अंदर। तो भाई फर्स्ट राउंड कर रहे हैं। तो भाई 3, 2, 1 लैग लेगी है भाई अभी, लेकिन देखते हैं, कोशिश रहेगी पूरी पूरी। पीछे ले गई भाई फ्रॉन्क्स, ले गई भाई फ्रॉन्क्स। लगभग एक गाड़ी का गैप बना दिया भाई फ्रॉन्क्स ने। ले लो भाई ब्रेक ले लो, कोई फायदा नहीं, अपनी आती। सेकंड राउंड में अपना फ्रॉन्क्स में बैठे हुए हैं, AC हमने कर दिया है ऑफ। इस बार हमने भाई वर्टस का ड्राइवर चेंज कर दिया, अपने कुणाल भाई चला रहे हैं। अब वो थोड़े मतलब वो भाई पोलो चलाते हैं, उनको थोड़ा अच्छे से पता है लॉन्च वगैरह। तो भाई चलो करते हैं। चलो भाई 3, 2, 1 कर रहा हूं मैं। 3, 2, 1 भाई इस बार तो साथ साथ है। ओहो सच अ ड्रास्टिक चेंज, ए चेंज ऑफ ड्राइवर। जा रही है, निकली है भाई फ्रॉन्क्स। चले लेकिन भाई फ्रॉन्क्स अभी भी आ गए हैं, गैप बना रही है और गैप बना रही है, बिल्कुल गैप बना रही है। जा रही है जाएगी। जान दो भाई ने ब्रेक ले ली। कहाँ जीती? जीत तो गई। कहाँ? मैंने ब्रेक ले लिए। भाई लॉन्च तो इस बार काफी सही हुआ, लॉन्च आपका काफी सही हुआ, लेकिन ये मान लो थर्ड गियर तक भी ये पीछे थे, इनका जैसे फोर्थ लगा फिर हल्की सी आपकी पिक करने लग गई थी, क्योंकि थर्ड थी फिर भाई ने ब्रेक ले। हाँ, क्योंकि थर्ड में मैंने मेरे तक ना मेरे तक जो रखे मेरे तक क्रॉस होने के बाद ब्रेक ले लियो, लेकिन मेरे तक फुल स्पीड रखी अपनी। तो फिर आप एक बार थोड़ा सा साइड यहाँ पे डिवाइडर पे आ जाओ, क्योंकि उस टाइम क्या हुआ था, मैंने पूरी RPM जाने नहीं दिया, मैंने 5.5 पे गियर शिफ्ट मार दिया था चौथा, तभी करो एक बार और देखते हैं। चलो तो भाई थर्ड राउंड है, इस बार हल्की सी लंबी रहने वाली अपनी रेस, अपना सेटिंग्स वही रहेंगी, ट्रैक्शन ऑफ है अपना और AC भी ऑफ है, सामने भी भाई वही सेटिंग है। 3, 2, 1 साथ अभी और फ्रॉन्क्स गैप बनाते हुए। की बार तो हारी पड़ी है भाई, अब तो जाएगी फोर्थ लगने के बाद आती है यार। जान दो सीधी जान दो भाई, निकल गई भाई 140 के बाद गई भाई 140 के बाद क्रॉस कर रही है। बस ब्रेक ले।
140 के बाद निकली भाई। लेकिन मेरे हिसाब से अगर एरोडायनामिक्स ट्रैक थोड़ा और लंबा होता तो शायद हल्की सी फिर आगे कर लेती मेरी। पांचवा मेरी गाड़ी का बहुत स्ट्रांग है भाई, ये तो गेम चेंजिंग रिजल्ट्स। 140 पे गई भाई। हाँ गेम चेंजिंग भाई एरोडायनामिक्स। भाई कह रहे हैं एक बार एक इंच और करते हैं रोलिंग या ड्रैग। ड्रैग रोलिंग ही कर लें तो ड्रैग कर लेते हैं, आते टाइम रोलिंग कर लेंगे। चलो चलो भाई 3 2 1 बढ़िया लॉन्च। जान तो वो जा रही है, फ्रोंग जा रही है, जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है। लेकिन भाई यहाँ से अपनी वर्टस ने पिक करना, लंबा जान देना भाई थोड़ा। भाई आ गई यार 130 पे भाई, क्रॉस करने लगी 135 पे। ले भाई बनाएगी गई भाई 140 पे पूरी पीछे गई। नहीं 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 भाई मेरी पिक करना शुरू कर रही है। भाई मेरी पिक करना शुरू कर रही है, भाई से पूछ सकते हो। ट्रैक थोड़ा छोटा बढ़ रहा है वरना जाती है। मतलब एक बार 130 के बाद इसने करा। हाँ। फिर आपकी कर रही है, फिर ये फिर से निकलने को होती जरूर है 140-145 के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल तो भाई यही है 120 तक जा रही है फ्रोंक्स, फिर एक बार ये निकलती है फिर फ्रोंक्स आने लग जाती है। एसी ऑफ कर दिया भाई, एक फाइनल रोलिंग और करके देख रहे हैं। फर्स्ट गियर 20। चलो 20 की स्पीड मेंटेन करते हैं। फर्स्ट गियर में इसको चेक करो, रुको बराबर में। मेरा गियर लेट हुआ, गियर में फट जाएगी। चलो भाई लेगी थर्ड गियर में लेगी। चलो जान दो क्लोज को। मेरा थर्ड गियर लेट हुआ था भाई। मेरा थर्ड गियर लेट लगा था इस बार। चलो रोलिंग और करते हैं भाई। आगे से चलते हैं। टॉप एंड में नहीं जाएगी ज्यादा फिर यार, वहाँ ना पैच थोड़ा सही नहीं है टॉप एंड के लिए। चलो मेरी क्रॉस ओवर है उसके तो सीट की ब्रेक। हाँ ब्रेक्स नहीं मतलब स्टेबिलिटी। पहला गियर 20। चलो साथ कर लो भाई। नहीं अभी निकल गई फ्रॉम्स फिर से। इस बार सही है। चलो भाई इस बार नहीं आई वर्टस, ये भाई कबूतर फिर आ जाता है। जा रही है भाई चौथा लगते ही जा रही है। ये सीन है भाई, ऐसे ही खड़ी कर देता। तो भाई जैसा कि आपने देखा भाई काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल ट्रैक रेस है भाई ये। तो अपनी जो वर्टस है मेरे को भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि यार ये आगे निकलेगी, क्योंकि भाई वेट बहुत है भाई गाड़ी में। और उस हिसाब से भाई देखो चलो वेट तो है लेकिन भाई एरोडायनामिक्स भाई कहीं ना कहीं काम आते हैं। तो ये है भाई टॉप स्पीड में मतलब एक बात करें 120, 130, 140 प्लस भाई एरोडायनामिक्स बहुत तगड़ा काम होता है वहाँ पर भाई। अपनी थोड़ी फ्रॉन्क्स मार खा जाती है लेकिन भाई वही है अपना हल्का होने की वजह से ये भाई इनिशियल में खींच जाती है। इनिशियल में भी लगभग भाई ये मान लो आप 120 तक भाई जहाँ तक इसका तीसरा गियर मैक्स आउट करता है ना वहाँ तक आगे रहती है। चौथा गियर लगते भाई अपनी वर्टस पे एक्शन आ जाती है। लेकिन भाई ये है कि अगर थोड़ी और टॉप एंड की तरफ जाएं तो भाई उसका कुछ कह नहीं सकते क्योंकि भाई वर्टस से ना फिर भाई फ्रॉन्क्स दोबारा पिक करने लग जाती है। तो ये है भाई तो अभी के लिए भाई हम ये मान सकते हैं 120 तक भाई अपनी फ्रॉन्क्स जीतती है। 120 के बाद भाई 140-150 तक भाई अपनी वर्टस आ जाती है। तो भाई ये सीन है कुछ भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया ड्रैग रेस में। तो भाई वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।